हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना और डाबिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं केरी की खट्टी मीठी लौंजी, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। ये मैंने केरियाँ ली हैं और इसे मैं ये ऊपर का पार्ट इस तरह से कट कर लूँगी। हमें इसका ऊपर का पार्ट निकाल लेना है और पिलर की सहायता से हमें इस तरह से इसको छील लेना है। को छील लेंगे और ये देखिए मैंने एक छील लिया है इन्हें। जो को छील लेंगे, इसे केरी को छील लेने से वो ये ऊपर का पार्ट जो सख्त रहता है वो निकल जाता है और हमारी जो रेसिपी होती है वो बड़ी टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। यहाँ हमने सभी केरियों को अच्छे से छील लिया है इस तरह से, ये देखें। और ये थोड़ा सा पार्ट इसमें रह गया था, मैं उसे भी निकाल लेती हूँ। अब हम इसे आसानी से कट कर लेंगे। कर रहे हैं हम केरी को कट। केरी का शेप आप चाहे किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, आपको जैसा इसका पसंद हो। मैं इसे लंबे लंबे साइज़ में कट कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। ये देखें, मैं इसे ऐसे कट कर रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप चाहें तो कट इसके कर सकते पीस हैं। छोटे और बड़े भी रख सकते हैं, पर मैंने इस तरह से लिए हैं रफली। और अब मैं इन्हें सभी को इस तरह से चॉप कर लूँगी। सभी केरियों को हमने इस तरह से काट लिया है बिल्कुल। और ये जो गुठली का पार्ट है ये भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कभी हम दाल बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये दाल सांभर इसमें यूज़ करने में ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक चम्मच से थोड़ा कम ज़ीरा डाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसमें। यहाँ हम मोटी वाली मैंने राई ली है वो डाल देंगे। और ये जो खड़ा धनिया है इसको डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से तड़कने देंगे। और ये यहाँ हम इसमें आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हमने जो कैरी कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे, 10 से 5 मिनट हमें इसे पकाना है। और इसके बाद हम इसमें गुड़ और बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर दूँगी कुछ इस तरह से। जैसे ही हम नमक ऐड करते हैं तो हमारी कैरी पानी छोड़ने लग जाती है और ये पकने की प्रोसेस में आ जाती है इस तरह। नमक डालते ही केरी अपना पानी छोड़ देती है और ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट होने लग गई है बिल्कुल, और कलर भी बहुत अच्छा हो गया है इसका। अब यहाँ हम मिला देंगे इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ कसूरी लाल मिर्च, डाली है। और यहाँ डाल रहे हैं हम एक चम्मच पीसा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। मसाले हमारे थोड़े अच्छे से पक जाएं इसलिए हम इसे थोड़ा अच्छा मिक्स करके पका लेंगे 2 से 5 मिनट के लिए। ये मसाले भी हमारे पकना शुरू हो गए हैं। यहाँ मैं एक चम्मच सोफ पाउडर डाल रही हूँ, इसे सोफ पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने गुड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, अब हम वो मिक्स कर लेंगे। गुड़ को मिक्स करने के लिए हम यहाँ मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी। ये मैंने एक कटोरी पानी लिया है जिसे मैंने अभी थोड़ा डाला है और ताकि हमारा गुड़ अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे।
ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल अच्छी गाढ़ी हो गई, बचा हुआ गुड़ भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। ये गई खट्टी मीठी लौंजी, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ, पूड़ी के साथ, गर्मा गर्म पराठों के साथ, आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे हर बार बनाकर खाएंगे और इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। हम इसे कम से कम एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ख़ास तौर पे ये गर्मियों के लिए बनाई जाती है, पर अभी ना ही गर्म मौसम है ना ही ठंडा मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खट्टी मीठी चटपटी लौंजी बनके तैयार हो गई है। ये देखने में जितनी लाजवाब है उतनी ही खाने में टेस्टी है, और इसे आप यकीन मानिए बहुत बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।